हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम चलते हैं गोरखपुर से देहरादून के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ते का कुछ खूबसूरत नज़ारा। वीडियो एंजॉय कीजिए, बने रहें। काफ़ी थकान होने की वजह से ट्रेन में हम लोगों ने रात को सो गए थे। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये रास्ते का कुछ देहरादून के खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच ये गांव। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट अपडेट करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं देहरादून का रेलवे स्टेशन है और हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। काफ़ी थकान होने की वजह से हम लोग होटल गए और सो गए थे। उसके बाद हम लोग सुबह FIR कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं रास्ते के कुछ खूबसूरत नज़ारा। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएंगे और सीधा मिलते हैं FIR कॉलेज के पास। वीडियो में बने रहे। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आप देहरादून आए तो आप 2-व्हीलर बाइक ले सकते हैं भाड़े पे 24 आवर्स के लिए, यानी 24 घंटे के लिए 500 रुपया में मिलता है और आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं और उससे इंजॉय कर सकते हैं, पूरी देहरादून घूम सकते हैं आप। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग FIR कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं। ये बाहर की कुछ खूबसूरत नज़ारा। जब भी आप आएँ, टिकट इसका 10 रुपीज़ है, 10 रुपया एंट्री फीस है और बाइक के लिए 20 रुपया आप पार्किंग चार्ज दे सकते हैं और फुल एंजॉय कर सकते हैं। और ये ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है, प्योर ईंट से बना हुआ है, इसमें कोई भी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब भी देहरादून आए तो प्लीज़ इस कॉलेज के पास आए। दोस्तों, जब भी देहरादून आए तो प्लीज़ इस कॉलेज के पास ज़रूर आए। काफ़ी खूबसूरत है और ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, देहरादून के कुछ पहाड़ों का खूबसूरती आप लोगों को दिखाया जाए। रास्ते में कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा है, तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये देख सकते हैं आपके सामने ये खूबसूरत मंदिर, जो पारकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जब भी आप विजिट करें तो यहाँ भी ज़रूर आए, और यहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं को भीड़ लगा रहता है। ये आप देख सकते हैं पारकेश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो में अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। जब भी आप विजिट करें देहरादून तो आप बाइक ले सकते हैं 24 घंटा के लिए, आपको 500 रुपया में मिलेगा। 700-800 बोलेंगे तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, 500 रुपया ठीक है 24 घंटा के लिए, और अपना तेल डालिए और साथ में जो भी है तो उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रास्ते के कुछ खूबसूरत नज़ारा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं सबसे टॉप पे हम लोग आ चुके हैं। तो आइए हम आप लोगों को ऊपर से दिखाते हैं नीचे का खूबसूरत नज़ारा किस तरह दिखता है। और ये
आपके सामने रेहान, मिस्टर रेहान जो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जितने टीम आए थे बैठ के ये लोग मज़ा ले रहे हैं। सबसे टॉप पे हम लोग आए हुए हैं। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी की बता दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। ये देख सकते हैं ऊपर से कुछ खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। गाइस एक बार विजिट करें। वीडियो का अंत यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय एंड टेक केयर।